हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम आए हैं नए ब्लॉग के साथ। हम आज आए हैं इंडस फ्लेवर, जो कि है NSP में लोकेटेड। इनकी एक ब्रांच GTB नगर में ऑलरेडी है, इनकी नई ब्रांच आई है। मैं आपको इंटीरियर अभी दिखाने वाली हूँ। बहुत ही प्यारा इंटीरियर, बहुत ही सुंदर इंटीरियर है इनका। यहाँ पे आप फोटोज़ भी अपनी क्लिक करवा सकते हो। आउटसाइड भी सिटिंग है, इनसाइड भी सिटिंग है। यहाँ पे इनकी काफ़ी डिफरेंट डिशेज़ हैं, फूड डिशेज़ हैं, जो मैं आपको बताने वाली हूँ, दिखाने वाली हूँ, ट्राई करके बताने वाली हूँ कैसी है। फ्यूजन डिशेज़ हैं काफ़ी। इनकी जेड़े दाल मखनी बहुत फेमस है। एक इनका पाव भाजी फोंड्यू बहुत फेमस है, जो कि मैं आपको ट्राई करके बताने वाली हूँ। तो पूरे ब्लॉग तक बने रहिए। आइए चलिए। ये हमारा गया है JD दाल मखनी फोंड्यू। अब ये देखते हैं कि इसमें एक्चुअली में अल्कोहल का फ्लेवर आता है या फिर नहीं आता, ये टेस्ट करके ही बता पाएंगे हम आपको। ये इनकी काफ़ी डिफरेंट यूनिक प्रेजेंटेशन है कि इन्होंने ये जो नान है ऐसे स्टिक्स में दी है। तो ऐसा इसमें अल्कोहल का कोई फ्लेवर नहीं आ रहा है। ये जैसे आपकी नॉर्मल दाल मखनी होती है वैसा ही टेस्ट है इसका। अल्कोहल डालने से कुछ ऐसा डिफरेंट टेस्ट नहीं हुआ। मे बी बिकॉज ऑफ डिफरेंट प्रेजेंटेशन, या दिखाने के लिए कुछ डिफरेंट इन्होंने वो चीज़ कॉन्सेप्ट ऐड करी है, बट टेस्ट में कोई चेंज नहीं है। नॉर्मल दाल मखनी जैसा ही टेस्ट है इसका। इसकी ये जो नान है, ये नॉर्मल नान नहीं है। इसके अंदर मुझे लग रहा है इन्होंने चीज़ की कोटिंग करी है, जिससे थोड़ा सा माउथ के अंदर चीज़ी सा फ्लेवर आ रहा है दाल मखनी खा के। और ये खाकर मेरे को ऐसा लग रहा है चीज़ी दाल मखनी टाइप से ये। तो ओवरऑल इट्स अ नाइस, यू कैन गिव इट अ ट्राई। नेक्स्ट आइटम मैं आपको ट्राई करके बताती हूँ कि क्या हम खाने वाले हैं। तो ये हमारा आ गया है पाव भाजी फोंड्यू। तो अब मैं इसको टेस्ट करके बताने वाली हूँ कि कैसा है इसका टेस्ट। तो यहाँ पे इन्होंने नीचे छोटी सी कैंडल मोमबत्ती लगा रखी है, ताकि हमारी भाजी गर्म रहे। टेस्ट करके इन्होंने ये स्टिक्स दी हैं खाने के लिए, एंड ये चीज़ दिया है अलग से। चीज़ को इसके ऊपर डाल सकते हो आप, अगर आपको चीज़ी चाहिए तो। हम घर में जैसे बटर डालते हैं, तो उसकी जगह इन्होंने चीज़ दिया है, हम चीज़ डाल के खा सकते हैं। तो हम बिल्कुल डालेंगे चीज़ देसी। तो ये हमने अपना चीज़ डाल दिया है भर के पाव भाजी पे, खूब चीज़ी बनाने के लिए। थोड़ा सा ये आ गया हमारा पाव। अब हम इसको आराम से कर लेते हैं। टूट गया हमारा पाव करके बताती हूँ। जी डर गई, अच्छी आई है टेस्ट में। आप आओ तो डेफिनेटली आप ये ट्राई कर सकते हो। इट्स अ थम्स अप फॉर दिस डेफिनेटली। तो ये है हमारा फुटा पापड़। ये है हमारा कड़क पापड़। इसको मैं खा के बताने वाली हूँ कैसा है। इसके अंदर इन्होंने काफ़ी वेजिटेबल्स डाल रखे और मसाले डाल रखे, जैसा कि आप देख सकते हैं। टमाटो, क्यूकम्बर, अनियन, धनिया, बहुत चीज़ें हैं। तो मैं इसको टेस्ट करके बताती हूँ आपको, ठीक है। बाइक में आपको लेके दिखाने वाली हूँ। कैमरामैन परेशान हो चुके। चलो ओके। नवरात्रि थाली मंगाई है, जिसके अंदर है पनीर की सब्जी, आलू, दाल, ये सीताफल है, चिप्स हैं, हरी चटनी है, दही है, और ये एक और सब्जी है, और ये पनीर की सब्जी है। साथ में इन्होंने कुट्टू की पूरी दी है। तो मैं आपको ये पूरी के साथ बाकी सारे आइटम्स टेस्ट करके बताती हूँ कि कैसी है टेस्ट में। तो ये हमारी पूरी है कुट्टू की, काफ़ी सॉफ्ट है। तो मैं पनीर के साथ खा के आपको बताती हूँ।
किया गया है हमारा पनीर। पनीर तो काफ़ी सॉफ्ट है, अच्छा है। मेरे को नहीं पता था विदाउट अनियन एंड गार्लिक भी इतना टेस्टी हो सकता है। बेस्ट फूड इन द होल वर्ल्ड। दिस इज स्वीट, शायद ये सीताफल की सब्जी है। ये दही है हमारा, ये खीर है। ओके, ये खीर है हमारी। काफ़ी अच्छी है ये, आई रियली लव इट। खत्म कर लेती हूँ मैं नेक्स्ट आइटम के साथ, मिलती हूँ हमारे डेजर्ट के साथ। डेजर्ट भी इनकी कुल्फी है, काफ़ी अच्छी कुल्फी होने वाली है, मैं आपको टेस्ट करके वो भी बताऊँगी। तो गाइस हमारी डेजर्ट आ चुकी है जो कि मेल्ट हो चुकी है, मैं आधी खा चुकी हूँ। तो मैं आपको लास्ट में बताने वाली थी डेजर्ट का रिव्यू, तो जो कि मैं मैंगो आइसक्रीम आपको दोबारा से खा के बता देती हूँ। मेरे को इसमें से बेस्ट मैंगो आइसक्रीम लगी, जो कि बहुत टेस्टी है। एक्चुअली में मैंगो का फ्लेवर आ रहा है इसमें। एक्चुअली में मैंगो का फ्लेवर है और ये भी बहुत टेस्टी है। ये है हमारी ग्रेप्स वाली, ये भी बहुत टेस्टी है। आज का होप यू लाइक दिस ब्लॉग। तो आगे भी ऐसे ब्लॉग्स देखने के लिए बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए एंड लाइक एंड कमेंट जरूर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।